नमस्कार, बीसीएन न्यूज के सुपर फास्ट 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। कोरोना के चलते पुलिस की नाकाबंदी जारी। सोमवार को 5 स्थानों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के 260 बेवजह घूमने वाले लोगों की जांच में 6 पॉजिटिव आए सामने। क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 ने गोपनीय जानकारी के आधार पर गणेशपेट थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 2 क्रिकेट सटोरियों को किया गिरफ्तार। उनको क्रिकेट बैटिंग की लाइन देने वाला बड़ा सटोरिया अब भी फरार। कोलबा स्वामीनगर में लॉकडाउन के दौरान चल रही प्लास्टिक की फैक्ट्री को मनपा ने सोमवार को किया सील। पूजा प्लास्टिक नामक फैक्ट्री आवासीय क्षेत्र में काफी समय से हो रही थी संचालित। हनुमान नगर जोन बन रहा रेड जोन। लगातार सर्वाधिक मामले हो रहे उजागर। 893 कोरोना पॉजिटिव एक दिन में आए इस इलाके से सामने। एसटी की इंटरस्टेट बसें मंगलवार को ही बंद। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद अब तेलंगाना के लिए भी बंद। डिस्ट्रिक्ट लेवल बसें होंगी संचालित। कनान पुलिस ने रविवार की रात पेट्रोलिंग के दौरान सिंगोरी फाटे पर नाकाबंदी कर बुचड़खाने ले जा रहे पिकअप वैन को पकड़ा। तलाशी लेने पर गाड़ी में गोवांश प्रजापति के 11 मवेशी पाए गए। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच मनपा आयुक्त ने जारी किया नया आदेश। अब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही सब्जी और किराना की दुकान रहेगी शुरू। वहीं दूध और फल बिक्री की दुकान रहेगी सुबह 7 से 11 तथा 5:30 से 7:30 बजे तक शुरू। नागपुर में कोरोना का कहर अब भी जारी। सोमवार को 113 लोगों ने हारी कोरोना से जंग। अब तक का सर्वाधिक मृतकों का आंकड़ा। नागपुर में दिन प्रतिदिन कोरोना के चलते स्थिति भयावह होने से शहर में तुरंत 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के आदेश न्यायाधीश शुक्रे और न्यायाधीश मोड़क ने राज्य सरकार को दिए। सोमवार को पाचपावली थाना अंतर्गत हुई दिन दहाड़े हत्या। चाकू घूप कर की गई युवती की हत्या। 2 से 3 आरोपियों ने घर के सामने ही मौत की घाट उतार डाला। बीसीएन न्यूज के सुपर फास्ट 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।